देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में प्याज अब किसानों के आंसू निकाल रही है। बंपर पैदावार से मंडियों में किसान को उचित कीमत नहीं मिल रही है। ऊपर से सरकार ने प्याज खरीदनी बंद की तो किसानों की आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 नवंबर को होने वाले मतदान में मध्य प्रदेश के किसान शिवराज सरकार को भी प्याज के आंसू रुला सकते हैं। स्वराज इंडिया ने किसानों की समस्याओं पर आयोजित होने वाली रैली की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कर्ज मुक्ति व फसल के वाजिब दाम की मांग के लिए इस रैली में देश भर के किसान जुटेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली में महिला किसान भी हिस्सा लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल रविवार को पानीपत जिला के गांव बांध में फसल बर्बाद होने से सदमे से जान गंवाने वाले किसान सुरजीत के घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और मृतक की आत्मा की शांति के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने फसल बीमा योजना को एक बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि बिना किसान से पूछे उसके अकाउंट से फसल बीमा के नाम पर पैसा काट लिया जाता है। ये किसान की जेब पर डाका मारने जैसा है। इस बीमा योजना की शर्त ऐसी है कि आप हर साल पैसा तो भरते रहेंगे लेकिन किसी भी किसान को कभी भी क्लेम की राशि नहीं मिल पाएगी। शिरोमणि अकाली दल द्वारा किसान मामलों व जिला स्तरीय धरने दिए जा रहे हैं। जिला गुरदासपुर में 29 नवंबर को सुखबीर बादल प्रधान शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में अकालियों द्वारा विशाल धरना दिया जाने वाला है। धरने में अकालियों की भारी मात्रा में शिरकत को लेकर जोन स्तर व ब्लॉक स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।